गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। अपन क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज 8.3 शुरू करी थी, जिसके अपन ने कुछ क्वेश्चन किए। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर अपन जीपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जीपी के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज अपन ट्राई करते हैं। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको कि इफ 4 टर्म ऑफ जीपी इज पी एंड 7 टर्म ऑफ इज क्यू एंड 10 टर्म इज आर, देन प्रूव दैट क्यू इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ टर्म इज पी, 7 टर्म इज क्यू एंड 10th term is R। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से? A4 को अपन क्या लिख सकते हैं? A4 is equals to AR cube। A4 की वैल्यू है P, P is equals to AR cube। Equation number 1। A7 is equals to AR की power 6। A7 की वैल्यू Q is equals to AR की power 6। Equation number 2। A10 is equals to AR की पावर 9। A10 की वैल्यू R, या फिर यहां से देखिए R कैपिटल। R is equals to AR की पावर 9। क्लियर है बात? अब अपने को क्या प्रूव करना है इसके अंदर? क्यू स्क्वायर, प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो अपन पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास? ए आर की पावर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 12। इसको ब्रेक करते हैं ए इनटू आर क्यूब ए इनटू आर की पावर 9। तो ए आर क्यूब की वैल्यू क्या है अपने पास? पी, और ए आर की पावर 9 की वैल्यू आर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो ये आ गया अपने पास क्या? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी प्लस क्यू टर्म इन जीपी इज एक्स, पी प्लस क्यू टर्म इज एक्स एंड पी माइनस क्यू टर्म is y, then find v term। देखो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? a p plus q is equals to a into r की पावर p plus q minus 1। इसकी वैल्यू है x, a r की पावर p plus q minus 1। फिर इसी तरीके से a p minus q is equals to a r की पावर p माइनस q माइनस 1, इसकी वैल्यू y, a r की पावर p माइनस q माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो a की पावर p प्लस q माइनस 1 पर a r की पावर a r की पावर p माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन y। a से a कैंसिल, r ऊपर चला जाएगा, r की पावर p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस q प्लस 1 इक्वल्स टू x अपॉन 1 से 1 कैंसिल q और p से p कैंसिल, तो r की पावर 2q इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? x अपॉन y की पावर 1 अपॉन, ये r की वैल्यू आ गई अपने पास। r की वैल्यू आ गई, तो अपन a की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं,
x is equals to a r की जगह पे x upon y की पावर 1 upon 2 क्यूब की होल पावर p plus q minus 1। यहाँ पे आ गया x is equals to a x upon y की पावर p plus q minus 1 upon 2। इसको इधर लाते हैं x into y की पावर p plus q minus 1 upon 2 upon x की पावर p plus q minus 1 upon 2। ये इनके तो ऊपर जाएगा a equals to x की पावर 1 minus p plus q minus 1 upon 2 and y की पावर p plus q minus 1 upon 2। बेस इसमें एलसीएम हम लेंगे तो 2 क्यों आ जाएगा, 2 क्यों में से क्यों चला गया तो 2 रहेगा, तो q minus p plus 1 y upon 2 p plus q minus 1 upon 2। तो ये आ गई अपने पास a की वैल्यू, ये आ गई अपने पास r की वैल्यू। अब अपने वहां से कम निकालने p से कम निकालने a p is equals a into r की पावर p minus 1। हाँ, a की वैल्यू क्या है अपने पास, x की पावर q माइनस p प्लस अपॉन 2q, y की पावर p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2, x अपॉन y की पावर 1 अपॉन 2q की होल पावर p माइनस 1। क्लियर है बात? तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की पावर q माइनस p प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब, y की पावर p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब, x की पावर p माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब और y की पावर 1 माइनस p अपॉन 2। नीचे तो ऊपर जाएगा नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के मल्टीप्लाई है, बेस सेम है x x लाइक यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस p प्लस 1 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब और y p प्लस q माइनस 1 प्लस 1 माइनस p अपॉन 2। देखो p से p कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी p से p कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा अपने पास x की पावर q अपॉन 2 क्यूब और y की पावर q अपॉन 2 क्यूब, q से q कैंसिल तो x y की पावर 1 by 2। ये आ गया अपने पास एक टर्म। क्लियर है बात? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। If A, B, C are in GP, A, B, C in GP and A की power x equals to B की power y equals to C की power z, then prove that one upon x plus one upon z is equals to 2 upon y। ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। हाँ, तो प्रूफ गिवन क्या है अपने को, a b c in gp, gp में होगा तो क्या होगा, b upon a is equals to c upon b, फिर a की पावर x is equals to b की पावर y is equals to c की पावर z equals to k मान लें, तो a की पावर x is equals to k, तो a is equals to k की पावर 1 upon x। हाँ, इसी तरीके से b is equals to b की पावर y is equals to k, तो b is equals to k की पावर 1 upon y and c की पावर z is equals to k, c is equals to k की पावर 1 upon z। अब अपने पास इससे क्या बनती है इक्वेशन, b स्क्वायर इक्वल्स टू s, तो b की वैल्यू ये ले,
from equation first, b की वैल्यू क्या है आपके पास, a की पावर 1 अपॉन y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, a की पावर 1 अपॉन x इनटू k की पावर 1 अपॉन z, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो k की पावर 2 अपॉन y, ये सेम होता है तो पावर ऐड होती है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तो 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, ये लिखने के लिए यहां पे प्रूफ करना क्लियर है बात, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।